बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम असलकम आप देख रहे हैं मेरा इश्क पाकिस्तान यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें मुहब वतन पाकिस्तानियों इस वीडियो में बात करेंगे इस लाडली नानी मरियम के बारे में और इसके अलावा एक दो नंबर लिफाफे के बारे में जो आज पाक फौज का स्पोक्स पर्सन तर्जमान बना हुआ है जो सारी ज़िंदगी पाक फ़ौज के खिलाफ बोलता रहा है। आज पाक फ़ौज का जब वह तर्जुमान बना हुआ उस पर भी बात करेंगे पहले बात कर लेते हैं इस लाडली नानी मरियम के बारे में लाडली मैं इसे इस वजह से कह रहा हूँ कि ये जो मर्ज़ी करते फिर जिस तरह के मर्ज़ी बयान दे जिसकी मर्जी इज़्ज़त उछाले कोई इसको आके नहीं पकड़ता कोई इदारा जो है इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता अभी दो दिन पहले फतेह जंग के जलसी आप कह लें जो कोई एक दो हजार इसने वहां बंदा इकट्ठा कर लिया था एक प्लाट पर अब ये लोग जो है वो ग्राउंड में नहीं जाते सिर्फ प्लाट पर छोटी छोटी जलसियाँ करते हैं और आवाम को बताते हैं कि जी ठाठे मारता समुंदर हमारा देख लें तो दो दिन पहले इसने जो है वो जंग में एक छोटी सी जलसी की और उस जलसी के दौरान जो है इसने जर्नल फैज़ पर जो है वो बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए इस नानी मरीम का ये कहना था कि इमरान ख़ान ने जो है वो जर्नल फ़ैज़ को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जनरल फैज़ जो था वो इमरान खान की आंखें और कान नहीं था बल्कि हाथ था और जो है मुखालफी की जो है वो इमरान खान के जो मुखालफी थे उनकी जो है जनरल फैज़ जो है वो गर्दने दबोचता था इस तरह की इसने जलसे में खड़े होकर स्टेटमेंट दी जनरल फ़ैज के खिलाफ बड़े संगीन किस्म के इसने इल्ज़ाम लगाए किसी इदारे ने जो है मरियम के खिलाफ एक्शन नहीं लिया अब कल है एक चिड़ी बाबा नजम सेठी आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं ये बड़ी चिड़ियाँ उड़ाता है अपने शो में अब इस चिड़ी बाबा का ये कहना था कि जी अब ये भी जो है ना जिस तरह वो नानी मरियम ने जनरल फैज को हिट किया इसने भी कल जो है ना जनरल फैज़ के हवाले से स्टेटमेंट दी अब ये चिड़ी बाबा कहता है जी कि इमरान खान ये कहते इमरान खान ये चाहते हैं कि जब मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूं तो जनरल फैज जो है वो पिशावर के कोर कमांडर ही रहें और हमारे जो है लॉन्ग मार्च को जो है वो मॉनिटर करें लेकिन मेरी इतलात ये है ये चिड़ी बाबा कहता है कि मेरी इतलात ये है कि जनरल फैज़ को जो है वो कोर कमांडर पेशावर के अहदे से हटा दिया जाएगा और जी एच क्यू में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और अवाम ये चाहती है कि जो जनरल कमर वाजवा हैं वो अवाम की बात सुने जनरल फैज़ की बात सुने जो जनरल फ़ैज़ के साथ दो तीन जनरल जोर हैं उनकी बात सुने और जो जनरल जनरल कमर जबेद बाजवा के अपने साथ छः सात जनरल्स हैं उनकी बात ना सुने बल्कि जो है जो अवाम कह रही है वो करें और इसी वजह से जो है वो सोशल मीडिया पर स्पेसिफिकली जो है, वो जनरल बाजवा को टारगेट किया जा रहा है तो कहने का मकसद प्यारे पाकिस्तानियों है कि नानी मरियम ने भी खुल के फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की फॉर्मर डी जी आई एस आई और करंट कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ को उसने टारगेट कियाज़ाम लगाए चिड़ी बाबा ने भी जो है वो जनरल फ़ैज़ के हवाले से है जो है बातें की और ये भी कह दिया कि जी जनरल फ़ैज़ के ख़ान साहब से रबते हैं पेशावर से कॉलेज आती हैं इमरान ख़ान को और इमरान खान को कहा जाता है कि भाई आप इसी गेम के साथ रहें जो गेम इस वक्त सियासी चल रही है फ़ौज का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है और कभी जनरल कमर जवेद बाजवा का नाम कभी जनरल फैज़ का नाम कभी दूसरे जर्नल्स के नाम इस तरह से ये खुलेआम ले रहा है और इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अब बताना आपको मैं ये चाह रहा था कि सीनियर एंकर पर्सन हैं जर्नलिस्ट बोल न्यूज़ के शामी इब्राहिम उन्होंने जो है कुछ दो चार स्टेटमेंट्स दे दी आर्मी के हवाले से कमर जवेद बाजवा के हवाले से उसके ऊपर केस कर दी एफ आई ए के थ्रू केस करवा दी और एफ़ आई ए ने जो है उनको बुला लिया अपने दफ्तर में आ जाओ भाई आपने कैसे जो है वो इस तरह की नाम लिए और फौज के ख़िलाफ़ जो है वो आपने बात की है कुछ जनरल्स का उन्होंने नाम लिया था बेसिकली जो है इब्राहिम ने यही कहा था कि ये जो सारे मुखालफी इकट्ठे हुए थे और अदा अहतमाद की तहरीक पेश हुई थी इसके पीछे जो मेन मरकज़ी किरदार था ना वो जनरल कमर जवेद बाजवा थे जनरल कमर जवेद बाजवा के कहने पर ही ये सारे लोग जो है वो इकट्ठे हुए थे वरने कभी हो ही नहीं सकते थे तो उन्होंने कोई दो चार इस तरह की स्टेटमेंट दी सामी इब्राहिम ने आज एफ आई ए के थ्रू उन पर केस हो गया और एफ आई ए ने उनको ऑफिस में बुला लिया अब सामी इब्राहिम ये कहते हैं मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूँ मैं तो नहीं आ सकता मैं इन 14 चौदह तारीख तक जो है वो पाकिस्तान वापस आ जाऊँगा वो गालबा इस वक्त अमेरिका में है वो कह रहे हैं मैं चौदह तारीख को वापस आ जाऊंगा और आके पेश हो जाऊंगा तो मेरा प्यारे पाकिस्तानियों देखे ना ये किस तरह से लाडलापन है मरियम ने खुल खुल के नाम लिए उसके बाप ने खुल खुल के नाम लिए उनके ऊपर केस नहीं हुए एफ आई ए के थ्रू कुछ भी नहीं हुआ चिड़ी बाबा हर रोज बैठ के मुंह खोलता है कभी स्पोक्स पर्सन बनता कभी उनके खिलाफ बयान हाथ देता उन उसके खिलाफ भी कोई जो है वो एफ आई ए ने जो है केस नहीं किया वो बेचारे इब्राहिम ने दो चार स्टेटमेंट्स क्या दे दिए उनके खिलाफ जो है वो केस कर दिया तो ये किस तरह का मतलब ये दोगलापन है डबल पॉलिसी है ये डबल फेस इन लोगों ने लगाए हुए हैं वो उधर नोन लीग वाले कुछ करें तो उनको कुछ भी नहीं होता इधर कोई बेचारा न्यूट्रल एक मुहब वतन साफ़ी को बात कर दे तो उनके ऊपर फ़ोन केस हो जाते हैं इसके पीछे क्या वजह नानी मरियम जो है वो ज़मानत पर है दुनिया जान के उसके ऊपर केसेस हैं वो मुजरम है मुलम नहीं है कन्विक्ट है सुप्रीम कोर्ट की जानब से वो खुल के लोगों की इज्जतें जो वो तार तार करती है बिलो द बेल्ट बातें करती है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता कोई एक सच्चा मुहब वतन पाकिस्तानी को बात कर दे तो उसी दिन ही मतलब एक घंटे बाद ही उसके ऊपर जो है ना वो केस हो जाता है और उनको बुला लिया जाता है इधारों की जानब से तो ये इंतहाई तश्वीसनाक और अफसोस करने वाली बात है कि भाई मरियम से इतनी क्यों मोहब्बत हुई हुई इदारों को कि उसके खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं होते हालाँकि उसने जिस तरह के नारे लगवाए हुए आप उससे भी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और निजम सेठी का भी जो पीछे बैकग्राउंड रहा है सेवनटीज़ में वो भी सब लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको कहाँ से उठा के यहाँ लाहौर में लेके आए थे उसके खिलाफ भी कुछ नहीं होता तो यहाँ जो बेचारा सच की बात करे करा दो उसके ऊपर केस इस वजह से कुछ लोग बेचारे डरते हैं इन टॉपिक्स पे बात ही नहीं करते आप क्या कहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया